Hey guys, काफ़ी टाइम से काफ़ी लोग मुझसे मेरे मैपल प्लांट के बारे में पूछ रहे थे कि हमें इसका भी अपडेट दिखाइए। सो गाइस, अभी मैं एक कंप्लीट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैपल प्लांट का। तो देखिए, यह है एसर पामटम। यह जापान और कनाडा का एक नेटिव प्लांट है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वैसे तो देखिए यह एक जंगली प्लांट है, तो जैसे हमारे एनवायरनमेंट में नीम के पौधे हैं, जामुन के पौधे हैं, वो बहुत कम केयर में अगर उनको हमने नीचे मिट्टी में लगा रखा है तो वो ऐसे ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। सेम ऐसे ही ये वहाँ का एक नेटिव प्लांट है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है टेम्परेचर की। तो मान के चलिए इंडिया के अंदर जहाँ पे स्नोफॉल होता हो, आप वहाँ पे इस पौधे को बड़ी आसानी से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं हिमाचल में हूँ, तो हिमाचल के काफ़ी इलाकों में एक ही दिन में जो है मौसम अलग अलग होता है। जैसे मान के चलिए कहीं वहाँ पे स्नोफॉल भी होती है तो टेम्परेचर वहाँ पे माइनस में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो हाईएस्ट 43 डिग्री तक चला जाता है। तो जहाँ पे स्नोफॉल होगी तो वहाँ पे टेम्परेचर मान के चलिए कि लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा 35 तक ही जाएगा, इवन इतना भी नहीं होता, तो 30-35 के बीच बीच में रहता है। तो वहाँ पर ये प्लांट सर्वाइव कर लेगा, लेकिन जब टेम्परेचर 40 क्रॉस कर जाता है तो ऐसे में इस पौधे को जो है सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में देखिए, पिछले साल मैंने इस पौधे को, हालांकि 2 साल से इस पौधे को मैंने शिमला में जो अपने फ्रेंड के पास ही भिजवाया हुआ था, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर वो काफ़ी अनुकूल है। तो हालांकि अभी हाल ही में लगभग 4-5 महीने पहले मैंने इसको फिर से यहीं पे लेकर आया, तो सबसे पहला काम मेरा हुआ इसको रिपोर्ट करना। तो सबसे पहले मैंने इसको इस प्लास्टिक के पॉट में रिपोर्ट किया और इसकी काफ़ी ब्रांचेस सूख रही थी, तो मैंने उसको जो है प्रून किया। तो अभी देखिए, इसमें कुछ नई ब्रांचेज आई हैं, अभी इसमें नए लीव्स भी आ रहे हैं। तो अभी देखिए, मार्च का महीना है, आज है मार्च की 26 तारीख, तो अभी हमारा पौधा काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। लेकिन अब की बार मैं इस पौधे को यहीं पर जो है ग्रो करूँगा, यहीं पर चेक करूँगा कि पूरा साल ये पौधा कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे ग्रोथ करेगा। तो होता क्या है कि सनबर्न के कारण जो इसकी पत्तियां हैं वो मुरझाने लगती है, तो यही सबसे बड़ा कारण होता है। देखिए, जनवरी के दौरान जब मैंने इस पौधे को रिपोर्ट किया था तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी थी। देखिए, 2 साल पहले इस पौधे ने मार्च के दौरान काफ़ी अच्छी ग्रोथ की थी। पूरा फॉलेज देखिए इसका कितना हरा भरा है, और उस दौरान मैं हर महीने इनमें फर्टिलाइज़र डालता था, लेकिन फर्टिलाइज़र आपको सिर्फ एक ही बार डालना है साल में, कुछ खास फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखिए, इसके बाद अप्रैल में इस पौधे के जो पत्ते हैं वो रेड कलर से ग्रीन कलर में बदलने लगे थे, और धीरे धीरे ये सनबर्न के कारण इसके पत्ते थोड़े सूख रहे थे। तो इसी दौरान मैंने इस पौधे को जो है शिमला में अपने फ्रेंड के पास वहाँ पे भिजवा दिया था, ताकि ये थोड़ा जो है स्टेबल रह सके, थोड़ी अच्छी ग्रोथ कर पाए। देखिए, आमतौर पर 18 से 28 डिग्री तक का टेम्परेचर इस पौधे के लिए बिल्कुल अनुकूल है। अगर इतना टेम्परेचर आपके एरिया में है तो आप इस पौधे को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए उस पौधे का जो सही क्लाइमेट है उसका होना काफ़ी ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पे 2 पौधे हैं, यहाँ पे एक मैपल का मैपल प्लांट है और यहाँ पे देखिए क्रोटोन का पौधा है। अब दोनों का ही जो क्लाइमेट है वो अलग अलग है। अब मान के चलिए इसको अगर हमने ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे स्नोफॉल होती हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, वहाँ पे ये पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे ये पौधा सर्वाइव कर सकता है मैपल। अब सर्दियों के दौरान देखिए क्या होता है, सर्दियों के दौरान जितनी भी सर्दी पड़ रही हो, मैंने इस पौधे को आउटडोर में ही रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ऐसे में क्रोटोन को आउटडोर में नहीं रख सकते, इसको मैंने पॉलीशीट से ढक के ही बचाया, तो अब काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। फिर ज़्यादातर मैंने इनडोर भी रखा इसको। तो देखिए, क्लाइमेट का सही होना काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस प्लांट की केयर की। अगर ये पौधा आपके पास है तो हमारी क्या कोशिश रहे कि हम इस पौधे को जो है इसकी सही ग्रोथ कर पाएँ। तो देखिए, सर्दियों के दौरान तो इस पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सर्दियों के दौरान नॉर्मल केयर में ही इस प्लांट को जो है रख सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गर्मियों के दौरान। तो सबसे पहले देखिए, जो सॉयल मिक्सचर में मैंने इस पौधे को लगाया है, तो यहाँ पर मैंने कोकोपीट मिक्स की है लगभग 20%, और इसमें मैंने मिक्स किया है 20% जो है लीफ कम्पोस्ट, और इसके अलावा 10% रेत है, और बाकी जो है हेल्दी गार्डन सॉयल है। तो ऐसे एक सॉयल मिक्सचर तैयार करके आप इसको लगाइए। कोकोपीट से ऐसा होगा और लीफ कंपोस्ट से जो कि इसकी जो मिट्टी है वो काफ़ी नरम रहेगी। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जैसे ये पौधा जंगल में सर्वाइव करता है, वहाँ पे ग्रोथ करता है, सेम वैसा ही क्लाइमेट हम इसको थोड़ा दें ताकि ये जो है अच्छी ग्रोथ कर पाए। लेकिन सॉयल मिक्सचर का भी मेन रोल नहीं है, मेन रोल यहाँ पर है टेम्परेचर का। तो यह एक आउटडोर प्लांट है, तो ऐसे में चाहे गर्मी हो या सर्दी, आप इसको आउटडोर में ही रखें। तो फरवरी के लास्ट में इनमें नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, अभी मार्च का एंड हो रहा है, तो इनके पत्तों का जो देखिए काफ़ी अच्छा फॉलेज नज़र आ रहा है, और पत्तों का कलर देखिए यहाँ पे बिल्कुल रेड था, तो अभी मार्च के एंड में पत्ते जो है ग्रीन कलर के हो रहे हैं धीरे धीरे।
तो अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मई जून के महीने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ऐसे में इस पौधे को बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप इसकी नमी बनाए रखें, सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी आप नमी बनाए रखें, और जब भी आप इस पौधे को पानी दें इसके ऊपर भी आप पानी का छिड़काव ज़रूर करें। तो इनके पत्तों को आपको सनबर्न से बचाना है, तो कोशिश करें कि हल्का ठंडा पानी ही आप इस पौधे पे जो छिड़काव करें, तो इनके पत्तों पे हल्के ठंडे पानी का ही छिड़काव करें। ताज़ा पानी ले सकते हो आप, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रिज का पानी, ठंडा पानी का इस्तेमाल ना करें। बात करते हैं इस प्लांट की प्रोपोगेशन की, और इस पौधे को हम कहाँ से परचेज़ करें। तो आमतौर पर आप इस पौधे को ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपको सर्दियों की शुरुआत में ही इस पौधे को परचेज़ करना है, और क्योंकि इस सर्दियों के दौरान ये पौधा काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी कर लेगा, और वहाँ पर ये पौधा आपको 1000 से 1500 रुपये के बीच में मिलेगा। तो उसके अलावा देखिए, इस पौधे को ए लेयरिंग से और सीड से ही प्रोपोगेट किया जा सकता है, काफ़ी आसान है। लेकिन ऑनलाइन आप इसके बीज परचेज़ ना करें, क्योंकि वो जो है जर्मिनेट नहीं होते। तो अगर इसके जो बीज है, जैसे कि आउट ऑफ कंट्री से अगर आप किसी से मंगवा सकते हो, वो खुद पेड़ से कुछ बीज को तोड़ेंगे तो उनको हम ग्रो करेंगे, तो शायद वो जर्मिनेट हो जाएं। क्योंकि ऑनलाइन जो वो पैकिंग करते हैं, वो पता नहीं किस हिसाब से करते हैं कि कोई भी बीज जर्मिनेट नहीं होता। मैंने काफ़ी बार उनको ट्राई किया है। देखिए, कुछ लोगों को एक्जोटिक प्लांट काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके पत्तों का कलर, पत्तों का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा अलग होता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्या वो पौधे हमारे एरिया में सर्वाइव कर पाएंगे। तो ज़्यादातर हमें ऐसे ही पौधे लगाने चाहिए जो हमारे एरिया के नेटिव प्लांट हो, क्योंकि वो पौधे बहुत कम केयर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो रही बात मैपल की, तो इसका एक कम्प्लीट अपडेट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि लगभग 1 साल के बाद या लगभग 6 महीने के बाद ये पौधा जो है कैसी ग्रोथ करेगा, इसके पत्ते रहेंगे। अभी मेरी ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि मैं इस पौधे को जो है डायरेक्ट सनलाइट से बचाऊं, तो मैंने इसको एक पेड़ के नीचे यहाँ पे पार्शियल लाइट में रखा है। लेकिन गर्मियों के दौरान जो हीट होती है हमारे एनवायरनमेंट में, उसी से इसके पत्ते बर्न होने लगते हैं, और जो छोटी छोटी ब्रांचेस है ये भी बर्न होने लगती है। तो बस इसी से हम इसको थोड़ा बचाना होता है। देखिए, मैपल का प्लांट जो है हमारे इंडियन नेटिव का प्लांट नहीं है, लेकिन ऐसा ही एक और पौधा है, ये बिल्कुल मैपल की तरह ही दिखता है, ये है चिनार। और देखिए, कश्मीर में बड़ी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है पौधा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे इसको कटिंग से लगाया है, और अभी इसकी कटिंग देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। और इसके अलावा देखिए, मैंने इसको कुछ बीज भी लगाए हैं, ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ मैंने सर्दियों के दौरान ही किया है, तो अभी गर्मियों के दौरान भी सेम इस पौधे की भी वही हालत है कि इसको भी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इसको टेम्परेचर जो है लगभग 30 डिग्री के आसपास का ही चाहिए। तो कोशिश करूँगा कि इनको मैं अच्छे से जो है ग्रो करूँ, तो इनका भी एक अपडेट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इनको बीज से लगाया है, इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, और यहाँ पे मैंने कुछ कटिंग भी लगाई है, तो कटिंग भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। हालांकि फरवरी के दौरान इतने जो है इसकी ग्रोथ हो चुकी थी, लेकिन अब इसकी ग्रोथ थोड़ी रुक चुकी है, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। और इनके पत्तों का कलर भी सेम मैपल के पत्तों की तरह ही बदलता रहता है। सो गाइस, इस प्लांट से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो बना के उनका अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।